दोस्तों आज मैं आपको एवरेज डीपीयू में एरर वन शिफ्ट क्लोज कैसे ख़त्म करें उसके बारे में बताऊंगा। मेरे पास ये डीपीयू है, इसमें शिफ्ट क्लोज का एरर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूं उसे। ये सॉ कोड डाला मैंने और फैट डाल दी, ये SNF डाल दी, और आप देख सकते हैं एरर वन शिफ्ट क्लोज का एरर आ रहा है। एंटर कर देंगे, मेनू में जाएंगे और चैन डेट टाइम पे एंटर करेंगे, पासवर्ड डालते जाएंगे एक 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 जो भी आपके डीपीयू का पासवर्ड हो। ये डेट को चेंज कर देंगे, एक दिन एक्स्ट्रा डाल देंगे, 6 कर देंगे, एंटर कर देंगे, डीपीयू रिस्टार्ट होगा। डीपीयू रिस्टार्ट हो गया हमारा 6 तारीख में। आप देख सकते हैं फिर आ रहा है एरर शिफ्ट उन गई। दोबारा चेंज डेट और टाइम पे जाएंगे, पासवर्ड डालेंगे, दोबारा 05 कर देंगे जो डेट है आपकी, डीपीयू रिस्टार्ट हो रहा है। आपके सामने ये एरर आएगा, रिकॉर्ड एग्जिट फॉर डेट मॉर्निंग शिफ्ट वन टू डिलीट और एन लिख के आएगा, इसे तीर के निशान से कर देंगे भाई और एंटर कर देंगे। अब आपका एरर वन ख़त्म हो चुका है। कोड चेक करते हैं, कोड डाल दिया हमने, हेड डालते हैं, ऐसा नहीं डालते हैं, आप देख सकते हैं एरर ख़त्म हो गया। ये बीट नहीं है मशीन में, 00 दिखा रहा है यहाँ पे, इस वजह से बीट लो का एरर आ रहा है। एंटर कर देंगे तो आपकी पर्ची निकल जाएगी तुरंत। आप देख सकते हैं पर्ची निकल गई है, आपका एरर वन ख़त्म हो चुका है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।